भगवानपुर के औद्योगिक क्षेत्र स्थित घी बनाने की एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पर भगवानपुर यूनिट से एक फायर ब्रिगेड वाहन पहुंचा, लेकिन आग ज्यादा थी तो रुड़की यूनिट से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलवाई गयी। आग बढ़ने से आसपास की कंपनियों को खतरा पैदा हो गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। अभी तक आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। अग्निशमन और स्थानीय पुलिस मौके पर डटी हुई है। वहीं अगर कंपनी के नुकसान की बात करें तो प्रत्यक्षदर्शियों और कंपनी के कर्मचारियों के मुताबिक लाखों रुपए का कंपनी को नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर किसी भी तरह जनहानि नहीं हुई है, जिसके बाद कंपनी के मालिकों ने राहत की सांस ली। डेयरी के नाम से फैक्ट्री है यहाँ पे लखेसरी भगवानपुर में। की सूचना मिली थी 10:15 बजे करीब, 10:15 बजे करीब सूचना मिली थी, तो तत्काल फायर सर्विस भगवानपुर में जो हमारे यूनिट तैनात है वो आ गई और दूसरी यूनिट रुड़की से आई। तो सर आग पर काबू पा लिया? आग तो पूर्ण रूप से बुझा दी गई है, लेकिन अभी धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा है तो हम तक जा नहीं पा रहे। उसके बाद पता चलेगा क्या स्थिति है, क्या नहीं है। अभी हम मौके पर हैं फायर सर्विस में। सर कुछ कारणों का पता लगा? किसी कारण तो ये तो आज काम पूरा होने के बाद, अभी समझदारी पूरा होने के बाद ही जब उसकी जांच करेंगे उसके बाद पता चलेगा कारणों का। तो जरूर अभी तो धुआं ही धुआं हो रहा है।